अब हरभजन सिंह उनके पूर्व साथी, उन्होंने जो है एक बड़ी अच्छी बात बोली है जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है। हरभजन सिंह की कोर्ट प्लेट दिखा दे भाई। हरभजन सिंह ने क्या बोला है विराट कोहली के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मायने रखता है। विराट ने पिछले साल से इस साल तक काफी सुधार दिखाया है और लोग उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हैं। पिछले साल ये 130 के आसपास था, जैसे हमने दिखाया भी इस T20 वर्ल्ड कप में भी यही है, मगर इस बार मतलब कि ये जो IPL गया उसमें 160 के आसपास था। ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन विराट और रोहित को पावर प्ले में तेजी से रन बनाने होंगे। इसके साथ ही अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की परिस्थितियों में जो है वो उनका सम्मान करना होगा, खुद में उनको बहुत जल्दी से ढालना होगा। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते हैं ना, जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद रोहित शर्मा ने बोला था अब हमें खेलने का तरीका बदलना होगा। बिल्कुल, और वो खेलने का तरीका विराट ने कम रोहित ने ज्यादा बदला कि भाई वो अपने 50-100 की जगह वो 40-15 गेंदों में, 18 गेंदों में, 20 गेंदों में, वही चीज ना अब विराट को भी अपने खेल में लानी होगी अगर आपको इस T20 वर्ल्ड कप में इंपैक्ट छोड़ना है। तो मतलब रन तो बनेंगे, रन तो विराट कोहली कहीं भी बना देंगे, मगर वो रन कैसे होंगे, मतलब वो टीम को जिताएंगे या फिर टीम को फंसा देंगे, सवाल हो गया। मेरे ख्याल से आपने कहा ना कम और ज्यादा, मतलब ज्यादा रोहित शर्मा ने अप्लाई किया, विराट कोहली ने कम किया। मैं कम और ज्यादा की बजाय पहले और बाद में ये शब्द इस्तेमाल करूंगा। पहले रोहित शर्मा ने आजमाया, बाद में विराट कोहली अब आजमा रहे हैं। आप इस IPL में देख लीजिए, इस IPL में आपने दो चीजें थी। अब एक तो ये बात हो गई जो आपने कहा कि इंपैक्ट पड़े इनिंग में, लेकिन अगर आप इसी IPL का जो 14 लीग मैच के शुरुआत के 8 मैच आप अगर देखेंगे या 7 मैच आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि विराट कोहली पिच पर स्ट्रगल कर रहे थे अपना एक पार्टनर तलाशने के लिए। उनके साथ चाहे वो ऊपर से फाफ डुप्लेसी को देख लीजिए, वो रन्स नहीं कर रहे थे, लगातार आउट हो रहे थे, नंबर 3 पे बल्लेबाज था वो आउट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो जा रही थी कि वो 20 ओवर बल्लेबाजी तो करें, वो वाला हाल ना हो जाए जो सनराइजर्स हैदराबाद का फाइनल में हुआ कि 20 ओवर बल्लेबाजी ही नहीं कर पाई टीम। बिल्कुल, और किसी भी T20 फॉर्मेट में, चाहे आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, अगर आप 20 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे तो इससे बड़ा फेलियर मैं कोई नहीं मानता हूं। तो वो पहले हाफ के विराट कोहली को देखिए, वो शायद 20 ओवर तक बल्लेबाजी को जा रहे थे, लेकिन जब बाद में टीम ने लगातार 6 मैच जीते जिससे वो प्लेऑफ में पहुंचे, और प्लेऑफ में 3 टीमें और थी, दिल्ली भी थी, लखनऊ भी थी और चेन्नई भी थी, तीनों ही टीम के 14-14-14 पॉइंट थे, लेकिन अगर वहां बेंगलुरु 14 पॉइंट के साथ प्लेऑफ में पहुंची तो वो जो स्ट्राइक रेट, वो जो इंपैक्ट की बात आप कर रहे हैं, वो लास्ट के 6 मैचेस में विराट कोहली ने करके दिया। तो मुझे लगता है कि जब आप ये कहते हैं कि 2022 में रोहित शर्मा ने कहा कि हमें खेलने का तरीका बदलना होगा, तो पहले उन्होंने वो तरीका बदला, अब वही तरीका विराट कोहली बदल रहे हैं, और दोनों ही, मतलब मुझे नहीं लगता इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट के जितने भी लोग हैं, दोनों ही लोगों का जो दिमाग है ना, क्रिकेटिंग ब्रेन जिसको कहते हैं, वो चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली, दोनों कप्तान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब 11वें नंबर के खिलाड़ी हो, तो दोनों को बहुत अच्छी तरह पता है। जो बात हरभजन कह रहे हैं कि जो नई जगह पे जब आप खेलते हैं, नई पिच पर जब आप खेलते हैं, तो जो कंडीशंस को रेस्पेक्ट करनी होती है वो रेस्पेक्ट वो दोनों ही करते दिखाई देंगे।